एवरीवन, आज हम लोग बनाने वाले हैं सूजी के लड्डू। और इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सूजी एक बाउल, शक्कर एक बाउल और एक छोटा बाउल ड्राई कोकोनट क्रश। पहले हम लोग कढ़ाई में थोड़ा सा घी लेंगे और उसमें सूजी डालेंगे। इस सूजी को आपको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से भून लेना है और गैस को मीडियम आंच पे रखना है। अभी आप देख सकते हैं इस सूजी का कलर जो है वो काफ़ी चेंज हो गया है। अभी हम इसमें ड्राई कोकोनट ऐड करेंगे और इसको और 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। और जब तक हम ये भून रहे हैं तब तक हम चाशनी बना लेंगे। इसके लिए हमें एक बर्तन में शक्कर निकालेंगे हम और इसमें थोड़ा सा पानी, शक्कर डूबे इतना ही पानी हमें इसमें डालना है और इसकी हमें चाशनी बनानी है और इसको लगातार हिलाते रहना है। अभी हम इसकी चाशनी बना रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, सिर्फ एक तार निकले इतना ही करना है। अभी आप देख सकते हैं हमारी सूजी जो है वो भूनकर तैयार है और हमारी चाशनी जो है वो भी तैयार हो गई है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसे। अभी हम इस चाशनी को सूजी के अंदर डालेंगे। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जायफल का पाउडर, अब इसमें डाल देंगे हम। और इसको हिलाएंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे क्योंकि हमारे हाथ ना जले, फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है इसको और 3-4 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रख देना है। देखिए अब ये ठंडा हो गया और मैं इसके अभी लड्डू बना रही हूँ। इसके आपको अभी लड्डू बनाने हैं और इसी ये थोड़ा जब गर्म रहता है तब हम इसकी बर्फी भी बना सकते हैं। एक ताटली को आप ग्रीसिंग कर लीजिए घी से और उसमें ये मिश्रण डाल दीजिए तो इसकी बर्फी भी बन सकती है। और ये हमारे लड्डू और बर्फी बनकर तैयार है।